पुलिस के लिए काम में दबी अदालतों के सामने किसी भी मुलजिम को गलत फंसा देना बहुत आसान है। अंग्रेजों ने ये कानून अपने गुलामों को आसानी से जेलों में कैद करने के लिए बनाए थे। देश आजाद हो गया लेकिन यहाँ की जनता आजाद नहीं हुई। आरोपी द्वारा बरामद करवाए गए सामान या हथियार के आधार पर उसे सजा करवा देना कठिन काम नहीं है। पुलिस अधिकारी को केवल यह दिखाना भर होता है कि यह हथियार या वस्तु आरोपी ने खुद बताकर बाखुशी बरामद करवाई है। उसे सेक्शन 27 की रिकवरी कहकर आरोपी पर लपेट दिया जाता है। अंग्रेजों के जाने के बाद से आज तक जितना दुरुपयोग इस सेक्शन 27 की रिकवरी का किया गया है, जितने आरोपी इस सेक्शन 27 के रिकवरी के आधार पर सजा करके जेल भेजे गए हैं, उतने शायद ही किसी दूसरे कानूनी प्रावधान में किए गए हों। इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि थाना किस जगह का है, यूपी का है या बिहार का है या दिल्ली का है या बेंगलोर का है। सेक्शन 27 की रिकवरी हर जगह बराबर कहर ढाती हुई मिल जाती है। आप आज के केस में देखिए कि कोर्ट ने इस रिकवरी पर क्या कानून बदला है। मृतक पवन 3 जनवरी 2004 को अपनी बीमार बहन से मिलने के लिए रोहिणी गया था। 4 जनवरी को पवन के भाई धर्मेंद्र ने अपनी बहन के पास फोन किया कि पवन आया नहीं है, तो उसको बताया गया कि पवन यहां से लौट गया है। 5 जनवरी को धर्मेंद्र को किसी ने फोन करके बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पवन को गोली से मार डाला है। रिपोर्ट हुई, केस बना, पुलिस ने चार्जशीट में 20 गवाहों को दिखाया और बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता लगा कि पवन को लगी गोली किसी देसी पिस्तौल से मारी गई थी। पुलिस ने यह देसी पिस्तौल इस केस में एक्यूज्ड के अपेलेंट के इशारे पर बरामद हुई दिखाई थी। इस केस में प्रोसिक्यूशन का जो केस था वो कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस वाला केस नहीं था, बल्कि 2 आई विटनेस के द्वारा देखा गया केस था और आरोपी के इशारे पर इसमें वेपन ऑफ ऑफेंस को बरामद भी किया गया था। आरोपी ने शवों को फेंके जाने का स्थान भी पुलिस को दिखाया हुआ बताया था। पुलिस के मुताबिक 9 फरवरी 2004 को आरोपी ने बाखुशी चलकर यह दिखाया था कि उसने देसी पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस एक पन्नी में लपेटकर प्लाजा बिल्डिंग के सामने पार्क में दबा दिए थे। हालांकि जो PW-15 और PW-20 इस बात के गवाह थे कि उन्होंने यह बरामदगी अपनी सामने देखी है, उन्होंने अपनी गवाही में इस बात को नहीं बताया था। यहां व्यूअर्स देखें कि ऐसी कोई रिकवरी आज तक के क्रिमिनल केसेस के इतिहास में नहीं हुई है जिसको लेकर आरोपी कहे कि यह रिकवरी ठीक से की गई थी। रिकवरी वास्तव में की तो किसी और तरह से जाती है, कोर्ट में दिखाया जाता है कि आरोपी ने करवाई है। आपने खुद देखा है कि पुलिस अपनी तरफ से चाकू कट्टा प्लांट कर देती है और कोर्ट के सामने कागज बना देती है कि यह हथियार तो बरामदे में बनी अलमारी के ऊपर वाले खाने से बरामद करवाया गया है। यहां इस केस में भी यही था। आज के केस का नाम है कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यह क्रिमिनल अपील नंबर 2351 ऑफ 2011 थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने इसे 25 जनवरी 2024 को पारित किया था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। आरोपी के द्वारा की गई इस अपील का विरोध करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जो एडवोकेट आए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने 6 निर्णय प्रस्तुत किए थे। इन 6 निर्णयों में कहा गया था कि यदि आरोपी द्वारा सेक्शन 27 की रिकवरी करवा दी गई है तो केवल उस रिकवरी के आधार पर भी आरोपी को सजा करना उचित है। देखिए कि यह कैसा कानून है। यदि सड़क पर होने वाली चेकिंग में पुलिस वाला कह दे कि किसी वाहन चालक ने बाखुशी अपनी डिक्की से यह 10 किलोग्राम चरस बरामद करवाई है, तो संभवतः वह व्यक्ति पूरे जीवन काल के लिए जेल में सड़ेगा ही, और यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है।
राज्य सरकार के एडवोकेट द्वारा आरोपी के खिलाफ दिखाए गए 6 निर्णय ये वाले थे। जॉन पांडियन वर्सेस स्टेट 2010-14 एससीसी 129। दूसरा गोलाकोंडा वेंकटाश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 2003-09 एससीसी 277। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जागीर सिंह 1974-3 एससीसी 277। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस सुनील 2001-1 एससीसी 652। पवन कुमार एलियस मोनू मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015-7 एससीसी 148। सुरेश चंदारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1995 सप्लीमेंट्री 1 एससीसी 80। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में की गई देसी पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस की रिकवरी में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। पहली तो बात यह है कि यह रिकवरी घटना के 1 महीना 4 दिन बाद की गई थी। दूसरी बात है कि यह रिकवरी एक पार्क के सार्वजनिक स्थान से की गई थी, जहां कोई भी आ जा सकता है, किसी भी समय आ जा सकता है। तीसरी बात कि जो इस रिकवरी के गवाह थे, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने रिकवरी को होते हुए देखा है, उन्होंने कोर्ट में आकर अपनी बात को अपनी गवाही में नहीं बताया था। उन्होंने अपनी गवाही में यह नहीं बताया था कि रिकवरी उन्होंने होते हुए देखी है। चौथी बात है कि हालांकि इस रिकवरी के स्वतंत्र गवाह दिखाए गए थे, लेकिन वे पंचनामा के गवाह तो बनाए ही नहीं गए थे। यहां व्यूअर्स को यह समझना चाहिए कि केवल सेक्शन 27 के रिकवरी के आधार पर कोर्ट चाहे तो सजा कर सकता है, लेकिन हर आरोपी के लिए लाजमी है कि यदि उसके केस में रिकवरी की गई है तो वह आरोपी उस पर 3 अवसरों के ऊपर अपना उज्र दाखिल करे। पहला तो यह है कि जब भी उसे फर्स्ट टाइम मौका मिलता है तो वह उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए। अगर वह जेल में है, संभव है तो जेल से चिट्ठी भेजे कोर्ट में, और यदि वह जेल में है और वहां अवसर नहीं मिल रहा है तो जैसे ही बेल पर बाहर आए तो आते ही अपना उजर दाखिल करे, अपना ऑब्जेक्शन लगाए। उस ऑब्जेक्शन में साफ साफ लिखे कि यह रिकवरी मारपीट करके करवाई गई थी। दूसरा मौका आता है आरोपी के एडवोकेट क्रॉस के दौरान। इस पॉइंट पर पुलिस का क्रॉस अवश्य करें, वो दिखाएं कि यह रिकवरी स्वतंत्र परिस्थितियों में की जानी संभव नहीं थी, यह केवल मारपीट करके और आरोपी के ऊपर दबाव डालकर उससे गलत ढंग से करवाई गई है। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्थान होता है जहां पर इस रिकवरी के खिलाफ आप स्टैंड ले सकते हैं, आपका 313 का कथन। जब आप अपनी 313 की स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रिकॉर्ड करवाते हैं तो अपने उत्तर में गलत रिकवरी के बारे में और उससे संबंधित सारी सर्कमस्टांसेस के बारे में आपको बताना चाहिए। यदि आपके डिफेंस एविडेंस में कुछ ऐसा है जो इस रिकवरी के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत बता सकता है कोर्ट को, तो वहां भी आप उसको कोर्ट के सामने लेकर आए। जब एडवोकेट रिकवरी पर क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो वे यह दिखाएं कि संबंधित स्थान खुला हुआ स्थान था, कोई भी वहां पर आ जा सकता था। उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्नान घर से आरोपी का स्पर्म सैंपल लेने की बात करना बिल्कुल बेहूदगी है, उसे रेप केस से कैसे जोड़ा जा सकता है। रास्ते के किनारे की झाड़ियों से चाकू बरामद करके लूट के आरोपी पर मार देना बिल्कुल कानूनी ज्यादती है। तो क्रॉस में यह दिखाया जाए कि जिस स्थान से रिकवरी की गई है वह आरोपी के नियंत्रण में नहीं था, वह उसका अपना स्थान नहीं था, वह पब्लिक प्लेस था, वहां कोई भी आ जा सकता था। साथ ही गिरफ्तारी के कितने समय के बाद यह रिकवरी की गई है, इस पर भी सवाल किया जाना चाहिए। रिकवरी के गवाहों से भी मुनासिब क्रॉस किए जाने चाहिए। गवाहों का स्टेटस चेक किया जाना चाहिए कि वे पुलिस के प्रभाव वाले गवाह हैं या स्वतंत्र गवाह हैं। हर एडवोकेट एक बात मानकर चले कि इस देश की अदालतों में 99% जजों को यह नहीं पता है कि पुलिस थाने का माहौल क्या होता है, वहां पुलिस की वर्किंग कैसी होती है, वे किस प्रकार से आरोपी के साथ व्यवहार करते हैं। अधिकांश जजों ने कभी भी अपने जीवन में थाने में जाकर वहां की वर्किंग नहीं देखी होती है। उनको तो ऐसा लगता है कि पुलिस उतनी ही सेवाकर्मी है जितनी कि वह अदालत में पेश होते हुए दिखाई पड़ती है। भारत के कानून में न्याय प्राप्ति की या न्याय के स्वरूप की कोई आधारभूत संरचना नहीं है। यहां न्याय मिल भी जाता है और नहीं भी मिल पाता है। यहां यदि किसी केस में
आपको न्याय मिल गया है तो उसके लिए तीन महत्वपूर्ण आधार हो सकते हैं। वे हैं आपकी गृह दशा, दूसरा अदालत का मूड और तीसरा है बाय चांस यानी कि एक तुक्का। इंडियन लीगल सिस्टम अपने यंग एडवोकेट कोलीग्स की सहायता करता है। यदि किसी कारण से वे क्रॉस तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी सहायता की जाती है, उनका क्रॉस तैयार करवाया जाता है। क्रॉस करने के दौरान किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निगाह रखें और कैसे रखें, उन एडवोकेट्स को यह सिखाया जाता है। किस स्टेज पर क्या करें ताकि वे अपने काम में सफल हों, यह बताया जाता है। हर राज्य में अनेकों एडवोकेट मित्र इस तरीके से बहुत सफलता पा रहे हैं। केस को जीतने की नींव कोर्ट में चार्ज शीट आने के दिन से ही रख दी जाती है। जिनमें सफल होने का जुनून है वे एडवोकेट मित्र हमारे अनुभव से एडवोकेसी के दांव पेंच सीखकर स्वयं सफल हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बातों के लिए अपनी सरल भाषा में हमारी वेबसाइट को पढ़े। संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। सामने दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजें, मेंबर बने और सफल एडवोकेट हो जाएं।